टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री केसीआर ने बीआरएस के राष्ट्रीय मुख्यालय का दिल्ली में उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बाहर से कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। राज्य स्तर पर कामयाबी हासिल करने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बड़ी पहचान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस उद्घाटन समारोह में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे। आपको बता दें कि बीआरएस के राष्ट्रीय मुख्यालय का आज उद्घाटन हुआ है दिल्ली में, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। बता दें कि केसीआर ने अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी बनाने के लिए दिल्ली में आज अपने मुख्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक्टिव दिख रही हैं। वहीं केसीआर ने अपने नए मुख्यालय का दिल्ली में आज उद्घाटन किया है, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता वहां पर आज मौजूद रहे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद दिखे। बता दें कि बीआरएस के राष्ट्रीय मुख्यालय का आज दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने वहां पर सभी बड़े नेताओं को वहां पर आज अपने इस मुख्यालय उद्घाटन में शामिल किया है, जहां राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, आज देखा जाए तो केसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसीआर ने बीआरएस दिल्ली में अपना उद्घाटन किया है। जी नंदनी, जो तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव, जिन्हें हम केसीआर के नाम से भी जानते हैं, पहले उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, लेकिन अब उनकी पार्टी का नाम समिति यानी टीआरएस से बीआरएस हो गया है। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर खोला गया है। आज जो है उसका उद्घाटन था और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। कल वो शाम को लखनऊ में थे, आज वो सपा कार्यालय पे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बैठक भी करने वाले थे, निकाय चुनाव को लेकर मंथन भी होने वाली थी, लेकिन अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीआरएस के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं, जहाँ पे उनको सम्मानित भी किया गया था। और जिस तरीके से ये प्रक्रियाएँ चल रही हैं, केसीआर जो है लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। हमने देखा कि इस साल की शुरुआत में वो अखिलेश यादव से ही मिले थे, अरविंद केजरीवाल से मिले थे, कई राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी चर्चा भी हुई थी और केसीआर बिहार भी गए थे जब मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ के दोबारा से राष्ट्रीय जनता दल जो राजद से साठगांठ करके सरकार बनाई थी, तो केसीआर जो है बिहार भी पहुंचे थे और वहां पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत भी हुई, चर्चा भी हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा भी सवाल भी पूछा गया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या विपक्ष का जो है चेहरा वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, तो इस पर भी बातचीत हुई थी। केसीआर लगातार जो है अब इसके पहले वो तेलंगाना की राजनीति करते थे, काफ़ी सक्रिय रहते थे, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिसमें सिर्फ 1.5 साल का समय बचा हुआ है, तो केसीआर लगातार जो है लामबंदी कर रहे हैं, विपक्ष के प्रमुख नेताओं से मिल रहे हैं, अपनी एक भूमिका बना रहे हैं, एक किंग मेकर की भूमिका बना रहे हैं, सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेने का काम कर रहे हैं। इस समय केसीआर ऐसे नेता है क्या राजनीतिक मायने निकाल सकते हैं, अरविंद केजरीवाल से भी मिलते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करते हैं। विवेक, अखिलेश यादव के वहां पहुंचने के क्या राजनीतिक मायने निकल सकते हैं और कौन से बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे? देखिए, पिछले 2 दिन से जो सपा कार्यालय पे बैठक होनी वाली थी अखिलेश यादव शिवपाल यादव की, वो स्थगित होती जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर मंथन होना था, प्रत्याशियों के नाम की चर्चा होनी थी, उसके बाद संगठन में क्या क्या कुछ और बदलाव किया जाए इसकी चर्चा होनी थी और शिवपाल यादव की क्या भूमिका होगी इस पर अभी तक जो प्रश्न चिन्ह लगा है, इसके बाद से ही वो प्रश्न चिन्ह हट सकता था, लेकिन आज जो है वो बीआरएस के जो हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचे हैं अखिलेश यादव, वहाँ मुलाकात की है। इसके कई सियासी मायने जो है निकलते रहते हैं। केसीआर और अखिलेश यादव का
का ये जो संबंध है ये नया नहीं है, पहली बार उनकी मुलाकात नहीं हुई। विधानसभा चुनाव से पहले भी केसीआर अखिलेश से मिल चुके थे, इस साल भी केसीआर जो अखिलेश से मिले थे, और केसीआर लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पे जो है वो चर्चाएं भी हो रही हैं, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का भी कोई मुद्दा हो या फिर महिला सशक्तिकरण की नीतियों का मुद्दा हो। तो केसीआर जो है लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, इकलामबंदी कर रहे हैं, पूरे विपक्ष को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो दो बार से बहुमत की सरकार आई है, तीसरी बार वो सरकार जो है वो दिल्ली में न बनने पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम जगहों पे जो है अपना परचम लहरा रही है और विपक्ष लगातार आरोप लगाता जा रहा है कि किस तरह से सीबीआई और ईडी ने विपक्ष के नेताओं को परेशान करते हुए कहा है। संजय सिंह ने भी कहा था कि जितनी भी ईडी ने कार्रवाई की है उसमें जितनी भी कई जगहों पे हजारों लोगों को पकड़ा है, कई कार्रवाई हुए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 0.5% जो है केस रजिस्टर्ड हुए हैं जो रजिस्टर होने लायक थे, बाकी मामलों में सिर्फ ईडी और सीबीआई डरा रही है, ऐसा भी आरोप सरकार पर लगता रहा है। विवेक, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा? बीआरएस का अगली आगे का रणनीति क्या होगा? अब जी टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस हो गया है, तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारत राष्ट्र समिति के नाम से जानी जाएगी, तो इसका सीधा साधा जो ये मायने निकलता है कि अब वो तेलंगाना की राजनीति से निकलकर अब पूरे देश की राजनीति करना चाहते हैं। और जिस तरह से वो विपक्ष के नेताओं से लगातार नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, तो इसका साफ संकेत यह है कि वो विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि समय बहुत कम है, ये लोकसभा चुनाव है और 1.5 साल का ही समय बचा है, तो केसीआर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विपक्ष को जो है एक साथ लाया जाए। कांग्रेस ने अभी तक इसमें अभी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन वो प्रयास करेंगे कि वो कांग्रेस को भी एक साथ चले। कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो भारत के कई शहरों, कई राज्यों में जाके लोगों से मिल रही है, अपने मुद्दे बना रही है, अपने मुद्दे लोगों को पहुँचा रही है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कर रहे हैं। तो कांग्रेस अभी तक पूरी तरीके से सक्रिय रूप से केसीआर से नहीं जुड़ पाई है, लेकिन बाकी जो विपक्षी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अब मैं कहूंगा कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अब वो एक साथ आ रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हुए, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हुए, बिहार से नीतीश कुमार हुए और बंगाल से ममता बनर्जी, जो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं अब वो प्रमुखता से मुखर आंदोलन की तरह साथ आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एक नया विपक्ष बनाने की तरफ कवायद चल रही है, क्योंकि कांग्रेस की हालत जो है वो अब बस से बदतर होती चल रही है। तो जो क्षेत्रीय पार्टियों ने बीड़ा उठाया है एक नया विपक्ष बनाने का, ये काफ़ी देखना जो है दिलचस्प होगा कि कितना कामयाब जो है केसीआर इसमें होते रहते हैं। नंदनी, विवेक, क्या लगता है विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो बड़ा चेहरा बनकर कौन सामने आ सकता है? देखिए, अभी इस बात को बड़ा चेहरा बनाना काफ़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार जो है केसीआर से मिल रहे हैं, काफ़ी उनके अच्छे संबंध भी है केसीआर से। वही अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो दो राज्यों में उनकी सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, देश की नौवीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ममता बनर्जी भी काफ़ी एक्टिव रहती थी, लेकिन ममता बनर्जी केवल बंगाल तक ही सीमित है। वहीं नीतीश कुमार लगातार अपने उनके कार्यकर्ता जो है लगातार जो है उनको प्रधानमंत्री बनने की मांग जो है करते रहे हैं, और जब से उन्होंने गठबंधन छोड़ा है एनडीए का और दोबारा राजद के साथ गए हैं, तो लगातार उनके कार्यकर्ता जो है, उनके समर्थक जो है लगातार मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के बारे में ये बात की जाती है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं, जो चाहते हैं, कार्यकर्ता वही बात करते हैं, काफ़ी महीन राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, काफ़ी महीन नेता है। अगर कार्यकर्ता और समर्थक अगर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री होंगे, झारखंड के कुछ नेता और जो समर्थक है बिहार और झारखंड के, उन्होंने एक कैलेंडर बकायदा जारी किया था कि देश मांगे नीतीश कुमार, जबकि जो बिहार की बीजेपी जो विपक्ष है इस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। तो नीतीश कुमार अपनी अलग ब्रांडिंग कर रहे हैं विपक्ष के उम्मीदवार के लिए, अखिलेश कुमार अलग ब्रांडिंग कर रहे हैं, और केसीआर जो है इन लोग को साथ लेकर चल रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां, जो सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो साथ आके एक प्रमुख विपक्ष पार्टी के रूप में काम करें, इसलिए एक अलग लॉबिंग चल रही है। वहीं कांग्रेस ने इससे फिलहाल अभी तक दूरी बना के रखी है, और जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, नौवीं राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद उनके जो मनसूबे हैं और बढ़ गए हैं, और जो उत्साह है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं पर, तो अरविंद केजरीवाल भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नंदनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार की कोर्ट में पेशी। कोर्ट की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छावनी में तब्दील हुआ हाई कोर्ट। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार की कोर्ट में पेशी। कोर्ट की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छावनी में तब्दील हुआ हाई कोर्ट। खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार की कोर्ट में पेशी। कोर्ट की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छावनी में तब्दील हुआ हाई कोर्ट। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार की कोर्ट में पेशी। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन, आज मुख्तार अंसारी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेशी होगी। बिल्कुल नंदनी, जिस तरीके से आज पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को प्रयागराज के स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया गया, बताते चले कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी तथा मुख्तार अंसारी का साला शर्जील रजा नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। आज सुबह मुख्तार अंसारी को विशेष अदालत में पेश कर ईडी ने 14 दिन का रिमांड मांगा है। हालांकि अभी इस पर फैसला आना बाकी है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया है और ईडी की टीम जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है। हालांकि अभी तक इस पे फैसला आना बाकी है और लगातार जो है वहां पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और चूंकि बहुचर्चित मामला है, इसको लेकर यहाँ पे तरह तरह की जो चर्चाएं हैं, अब किस तरह का फैसला और क्या सामने आएगा वो अभी कहना बाकी है। जी नंदिनी जी, देखा जाए जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी पर अभी कार्रवाई होनी थी, फिर आज कोर्ट में पेशी की जाएगी, तो क्या लगता है आगे की और क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, कहा जा सकता है कि लगातार मुख्तार अंसारी पर ईडी टीम अपना शिकंजा कस रही है। अगर बात करें ईडी मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार की, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर मुख्तार अंसारी के परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा चुकी है। जबकि उसका बेटा और उसका साला अलग अलग जेलों में बंद है। तो अभी किस तरीके से ईडी टीम लगातार जो कार्यवाही कर रही है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी जो फैसला है कि ईडी टीम को न्यायिक हिरासत की कितने दिनों की रिमांड मिलेगी, ये अभी कहना बाकी है। और जैसे ये क्लियर होगा, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी की टीम लगातार मुख्तार अंसारी पे अपना शिकंजा कस रही है। जी नंदिनी जी, प्रशासन की बात करें तो पवन, देखा जाए मुख्तार अंसारी के घर की कुर्की भी कर दिया गया है। बिल्कुल, लगातार जो ईडी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है और प्रयागराज के अलग अलग स्थानों पर लगातार ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी के जितने भी परिजन रहे हैं या जितने भी उनके सदस्य रहे हैं या उनके जो परिवार के लोग हैं, उनसे पूछताछ की गई है। तो लगातार जो ईडी की टीम है वो शिकंजा कस रही है। और जिस तरीके से आज बांदा के जेल से प्रयागराज लाया गया है मुख्तार अंसारी को, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी टीम लगातार मुख्तार अंसारी पे शिकंजा कस रही है और जो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें हैं वो कहीं भी कम नजर नहीं होती आ रही है। जी नंदिनी जी, पवन, क्या लगता है ईडी तीनों को एक साथ बैठा कर इन लोगों से पूछताछ करेगी? चूंकि हाईकोर्ट का मामला है नंदिनी, तो वहां पे ये चीजें जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती हैं, ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि किस तरीके से वहां पूछताछ की जा रही है, तो किस तरह की बातें सामने आएगी। हालांकि मुख्तार अंसारी के वकील है वो सामने आए हैं, उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में यही बताया है कि मुख्तार अंसारी को आज यहाँ पर पेश किया गया है और किस तरीके की वहां पे फैसला आएगा वो कहना बाकी है। तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि जैसे ही फैसला आएगा सभी को उससे अवगत कराया जाएगा और ये चीजें वो पूरी तरीके से सार्वजनिक होंगी कि मुख्तार अंसारी पर किस तरीके की आगे और भी कार्रवाई होनी है। जी नंदिनी जी, पवन, क्या लगता है कितनी देर तक हाईकोर्ट में पूछताछ चल सकती है? चूंकि आज सुबह ही मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट में पेश किया गया है, हालांकि अभी आने वाले कुछ ही घंटों में ये फैसला सामने आ जाएगा कि मुख्तार अंसारी के ऊपर किस तरीके की अभी आगे की जो ईडी की टीम ने अर्जी पेश की है उस पर किस तरीके का फैसला आया है और ईडी की टीम को कितने दिनों की न्यायिक हिरासत मिलेगी, ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कुछ ही घंटों में ये जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि ईडी की टीम को कितने दिनों की न्यायिक हिरासत मिल रही है। जी नंदिनी, पवन, बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद आपको।
बता दें माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी होगी आज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार की कोर्ट में पेशी। कोर्ट की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छावनी में तब्दील हुआ हाई कोर्ट। प्रयागराज में आज माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार की कोर्ट में पेशी होगी आज। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई खत्म। खबर दिल्ली से आपको बता दें जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हुई, G20 को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन। खबर दिल्ली से है, आपको बता दें प्रधानमंत्री ने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की तारीफ की। गुजरात की जीत कार्यकर्ताओं की जीत, पीएम मोदी ने कहा। G20 को देश भर में जन जन तक पहुंचाना है, पीएम मोदी का बयान। अर्थव्यवस्था को लेकर रेलवे व IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दिया प्रस्ताव। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई खत्म। बीजेपी संसदीय दल बैठक में पीएम मोदी का संबोधन। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, आज देखा जाए दिल्ली में संसदीय बीजेपी की संसदीय दल बैठक खत्म की गई है। बता दें कि जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई खत्म, G20 को लेकर हुई चर्चा, हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, संसद में बीजेपी संसद के आज दल बैठक खत्म हो गई है। देखिए नंदनी, आज जो है बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी थी, जिसमें बीजेपी संसदीय दल के सभी जो सदस्य हैं वो शामिल हुए थे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, वही गृहमंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए थे। इस संसदीय दल में सबसे पहले गुजरात की जो भारी जीत है, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने अपना, उस पर चर्चा हुई थी। और गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, इन दोनों का ही भव्य सम्मान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर किसी का सम्मान होना चाहिए तो CR पाटिल और JP नड्डा जी का होना चाहिए, कि इन्होंने अपने संगठन में इतनी मजबूती दी कि गुजरात में ये ऐतिहासिक विजय हो पाई। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि ये जीत जो है वो गुजरात के कार्यकर्ताओं को समर्पित है, उन संगठन को समर्पित है जिन्होंने दिल लगा के मन लगा के जो है इस ऐतिहासिक विजय तक भारतीय जनता पार्टी को पहुँचाया है। वहीं अगर बात की जाए तो G20 जो भारत जो है इस साल से G20 जो मीटिंग होगी, जो अध्यक्षता करेगा भारत इस साल से दिसंबर से अध्यक्षता करना शुरू हो जाएगा, और 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 सम्मेलन भी होगा, उसके लिए भी खास जो है बातचीत की गई, रणनीति बनाई गई, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस संबोधन में कहा कि जो भी शहर जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को इससे जोड़ा जाए, वहाँ के लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, और वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था जो है अच्छी की जाए, और जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके पर अच्छा खासा जो है उनका ध्यान दिया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की जो है समस्याओं का भी सामना न करना पड़े। तो तमाम बातें जो है इस संसदीय दल की बैठक से निकल के आई है नंदनी जी। संसदीय दल की बैठक में अश्विनी कुमार वैष्णव ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है। अजय नंदनी, अर्थव्यवस्था की भी बात की गई, चर्चा की गई, इसमें रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया कि किस तरह से जो है भारत की इकोनॉमी को जो मोदी सरकार चाहती है आगे बढ़ाया जाए उसको। जैसा कि हम जान रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से परिस्थितियां जो है वैश्विक स्तर पर काफ़ी बदल गई थी। पेट्रोल डीजल के जो दाम है महंगे होने लगे थे, इधर महंगा होना लगा था, लेकिन रूस और भारत की मित्रता के बाद जो है हमने काफ़ी चीज़ों पर काबू भी पाया था। तो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से कोविड के बाद से और रूस यूक्रेन जो वैश्विक स्तर पर युद्ध की बात
जिससे वैश्विक स्तर पर काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो है अपनी अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार से आगे ले जाएं, उसको पटरी पर ले जाएं और रोजगार पैदा करें, इन्वेस्टर्स लाएं, विदेशी निवेश कराएं जिससे अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, इसके लिए भी एक प्रेजेंटेशन जो है इस संसदीय दल की बैठक में दिया गया। नंदनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।